मैं मुन्ना सर स्वागत करता हूँ आपके आपके चैनल आयुष्मान क्लासेज में। आशा करते हैं कि आप लोग ठीक होंगे और अपनी पढ़ाई मजे से कर रहे होंगे। तो आज का हम लोग का टॉपिक होगा भारतीय भवन मैथ क्लास 10 चैप्टर 1 का प्रश्नावली 1 बी का क्वेश्चन नंबर 5 का क्वेश्चन नंबर 2। तो चलिए देखते हैं कि इसको हम लोग कैसे कर सकते हैं और कैसे करेंगे। ठीक है, कह रहे हैं कि अभाज्य गुणनखंड में अभाज्य गुणनखंडन की प्रक्रिया से 96 और 404 का मौसम है ना निकालें, फिर इनका लौसा निकालें, या फिर ऐसे भी कह सकता है मौसा निकालें या है ना या मौसा की सहायता से लौसा को निकालें। ठीक है ना, तो चलिए देखते हैं कि इसको हम लोग कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे 96 और 96 को हम लोग तोड़ेंगे 2 चौका 8, एक इसमें क्या देखता हूँ क्या बाबू 2 8 16, फिर 2 से काटेंगे। ठीक है ना, अगर तुमको ये बातें समझ में नहीं आ रही है ना ऐसे कर लो, है ना ऐसे कर लो, 2 2 चौका 8 आ गया, 1 आया, फिर 2 8 16 आ गया, यहाँ पर कट जाएगा है ना, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं। ठीक है, जो यहाँ पे आया ना 48 आप यहाँ पे लिख सकते हैं। तो फिर लिखिएगा, ये तो आसान है, 2 2 4 2 चौका 8, फिर 2 से काटेंगे तो 2 1 2 2 2 है ना 2 2 4, फिर 2 से काटेगा 2 6 12, फिर 2 से काटेगा 2 3 6, फिर 3 से काटेगा तो 3 1 3, राइट। अब उसके बाद आप लिखिएगा यहाँ पे क्या लिखिएगा 404 है ना, 404 को आप तोड़िएगा 2 से तो 2 2 4 0 2, फिर 2 से तोड़िएगा तो 2 1 2 0, फिर 1 है ना, फिर अब ये देखिएगा कितना से कटेगा, कितना से कटेगा, 2 से तो कटेगा नहीं, 3 से भी नहीं कटेगा, 4 से 5 से 6 से 7 से नहीं कटेगा, 11 से कटना चाहिए। ठीक है ना, 11 चलिए, मतलब कि इसको कोई ज़रूरी नहीं है कि पूरा का पूरा हम काटेंगे तभी मेरा काम चलेगा। देखिएगा ये कन्फर्म हो गया कि 2 से कट रहा है, बट ये 3 से नहीं कट रहा है, यहाँ लास्टली क्या है 2 और 3 ही है, यही से हमारा काम बन जाएगा। ठीक है, तो आप लिख लीजिएगा पहले मौसा निकालना है ना, तो क्या लिखिएगा 96 आप लिखिएगा 96 बराबर 2 × 2 × 2 × 2 × 3 ना, फिर 404 राइट, फिर 2 × 2 × 101 है ना, 101 कट जाएगा, 101 आ जाएगा आपका। अब यहाँ पे 101 देखिएगा, यहाँ पे मौसा आपको निकालना है, क्या निकालना है मौसा निकालना है, यहाँ पे 2 आपको मिल रहा है 2 हो गया, फिर यहाँ 2 मिल रहा है फिर 2 हो गया, बाकी कुछ इसमें नहीं मिल रहा है, तो इसका मौसा कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा मौसा आपका हो जाएगा 4। और अब कह रहा है कि फिर इसका लौसा निकालिए। ठीक है, तो आप मौसा की सहायता से लौसा निकाल सकते हैं, कैसे, मैंने आपको बताया था कि आपको लौसा बराबर होता है ना पहली संख्या गुने दूसरी संख्या है ना बटा में क्या होता है मौसा होता है, मैंने फॉर्मूला बताया था कि लौसा बराबर क्या होता है पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बटा में मौसा, तो आपको क्या निकालना है लौसा निकालना है, राइट। तो पहली संख्या कितनी है 96 है और दूसरी संख्या कितनी है 404 है, और मौसा कितना निकल का है आपको 4, 4 से काटिएगा तो कितना उनमें कटेगा 4 × 2 = 8, इसमें क्या जा चुका 16। अब एक काम कीजिए इसको गुणा कर दीजिए 24 है ना गुणे 404 को, अब इसको गुणा कीजिएगा ना, कोई देखिए मैं यहाँ पे इसलिए ला कर छोड़ दिया हूँ क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि 2 से कटेगा नहीं 3 से भी नहीं कट रहा, तो उसका अगर दूसरा ही कोई नंबर आएगा ना जो इसमें नंबर प्रेजेंट ही नहीं है, इसलिए मैंने इतना ही पे इसको छोड़ दिया। ठीक है, अब इसके बाद आगे देखते हैं कि इसको हम लोग कैसे गुना कर रहे हैं, इसको गुना करेंगे आप ऐसे भी कर सकते हैं यहाँ पे है ना 404 × 24, 4 × 16 = 6 है ना 4 × 16, फिर 4 × 8 = 1 0 असल 4 × 8 और 0 और 4 × 8 6 9 6 9, यानी कि आपके आंसर कितना आ गया 96 और 96। ठीक है, तो आप आई होप कि आपको ये बात बहुत अच्छे से समझ में आया होगा कि सबसे पहले कोई ज़रूरी नहीं है कि हम कंप्लीट सारे नंबर को फैक्टराइज करें। ठीक है ना, तो हम सबसे पहले इस नंबर को तोड़े, ये तो लास्टली कंप्लीट फाइनल हो गया, यहाँ पे मैंने देखा 2 से कट रहा है, उसके बाद मैंने देखा कि 2 से भी नहीं कट रहा है, ये 3 से भी नहीं कट रहा है, तो कोई दूसरा ही नंबर होगा ना, इसको तोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपका भी मौसा निकल गया और इस मौसा की सहायता से आप लौसा निकाल लीजिए। वही तो कह रहा है अभाज्य गुणनखंड की प्रक्रिया से मौसा निकालिए और फिर इसका लौसा निकालिए, तो मौसा की सहायता से भी लौसा निकाल सकते हैं या फिर मौसा इसके बाद लौसा निकाल सकते हैं। ठीक है, और मैं आपको बता दूं